अमीर भोज जी की बात है तो उनके नाम के आगे लगा हुआ था किसी ने जो छेड़छाड़ की है, इसकी हमारे मुख्यमंत्री और राजपूत को अलग जाति नहीं है, दोनों एक परिवार है, हमारे पिता एक है। किसी ने कुछ फेंक दिया, जो लोग यहाँ बिना वजह की बात कर रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जो 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह जी और रोशन सिंह जी और तमाम हमारे समाज के पूर्वजों को जिस तरह से उन्होंने नाम लेकर के उनका जो गुणगान किया उससे पूरा समाज गदगद है और समाज माननीय योगी जी के साथ है। और जहाँ तक सम्राट मीर भोज जी की बात है तो उनके नाम के आगे लगा हुआ था किसी ने जो छेड़छाड़ की है, इसकी हम माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बात जो विवाद की बात कर रहे हैं तो कल ही क्षत्रिय महासभा ने कल या परसों उन्होंने कह दिया था, अब हम दोनों समाज एक है, गुर्जर और राजपूत को अलग जाति नहीं है, दोनों एक परिवार है, हमारे पिता एक है, उनकी दो संतान जैसे होती हैं तो उनको भी मानने का अधिकार है, हमें मानने का। और हम तो ये चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सम्राट मीर भोज जी का 55 साल का जो शासन है, इतना बड़ा शासन आज तक नहीं हुआ, उन्होंने भारत को केवल अपने राज्य को नहीं बचाया, ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है, भारत के बाहर ईरान तक सीमाओं को बढ़ाया, 3-3 केंद्रीय राजधानी उनकी रही, तो वो धर्म रक्षक थे और सनातन धर्म के गौरव। विवाद कहां से आ गया कि इस पर राजपूत और गुर्जर अलग अलग क्लेम कर रहे हैं, आखिर क्यों उनको एक जाति में? मैंने बताया ना, क्लेम कर ही नहीं रहे, दोनों एक है, बैठ करके जो बुजुर्ग थे कुछ नहीं, बच्चे नहीं, तमाम सारे गुर्जर यहाँ पर आए थे महासभा के और बोले कि भाई गुर्जर नहीं है। मैं बताया ना, किसी पार्टी के दो चार तो लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं, वो समर्थित हो सकते हैं उनके, इसकी जांच कराई जा रही है, यहाँ स्पष्ट गुर्जर लिखा था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कह दिया, और दूसरी बात जो हिस्ट्री पढ़ा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, राजपूत गुर्जर एक जाति है, दो जाति नहीं है, इसलिए दोनों को अधिकार मानने का है। तो मूर्ति के पास पुलिस क्यों लगी हुई है, आखिर क्यों जाने क्यों नहीं दिया? पुलिस लगी है, मान लिया किसी ने कुछ फेंक दिया, जो लोग यहाँ बिना वजह की बात कर रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया, पूरे गुर्जर समाज के लोगों का नाम लेकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में माननीय साहब सिंह वर्मा माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ स्पष्ट लिखा, आप जाएंगे अक्षरधाम गुर्जर सम्राट मीर भोज मार्ग, तो इसमें क्या होगा, गुर्जर का मतलब है जो हरावल दस्ते में लड़ता था, जो राजा जब तक राज रहा लेकिन हरा गुर्जर शत्रु विनाशक संस्कृत में इसका हुआ है, शत्रु का नाश करने वाला अगली जो पंक्ति में लड़ता था वो गुर्जर कहलाया। लेकिन क्षत्रिय हम लोग हैं और क्षत्रियों की एक जाति नहीं तमाम जातियां बनी हैं, तो सबको गौरव करने का अधिकार है। लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया तो उसके बाद बचा ही नहीं कुछ, तो हम राजपूत और हम एक समाज है, दूसरे समाज नहीं है। जो किया गया ना कुछ लोग कौन है, अरे साहब आप भी हैं।